हेलो गाइज, वेलकम टू विवा क्लासेस। आई होप यू लाइक माई वीडियोज। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर 12 की मिसलेनियस एक्सरसाइज, दैट इज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन हमारी वीडियोज के पीछे एक ही फंडा है, कम टाइम में कंसेप्ट ज्यादा, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। तो चलिए फटाफट से बिना देरी के 11 टू 20 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आपके पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। देखिए, हमने कुछ चीजों के डेरिवेटिव बच्चों को कहा है कि एक्जैक्टली याद करिए। जैसे x का डेरिवेटिव आप याद कर लीजिए 1 होता है, और 1 अपॉन x का डेरिवेटिव आप याद कर लीजिए -1 अपॉन x स्क्वायर है, और 1 अपॉन रूट x का भी अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन 2 रूट x। तो अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपका टाइम सेव होगा, अदरवाइज तो इसे x की पावर हाफ लेकर हमें x की पावर n की तरह इसका डेरिवेटिव लेना है। तो अगर आप इसे याद कर लेते तो बहुत अच्छा रहेगा। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा 4 एज इट इज, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और यहां पर 2 का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा 0। अब स्टूडेंट का सवाल उठता है कि मैम आपने यहां 4 को 0 नहीं करा और यहां पर 2 को 0 कर दिया। कभी भी याद रखिएगा, अगर वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट चल रहा है तो वो बच जाएगा, वो सेफ हो जाएगा, उसकी सेफ्टी अश्योर्ड है। और अगर कांस्टेंट अकेला चल रहा है तो उसका जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास लगेगा चेन रूल। चेन रूल क्या होता है? देखिए, आपको सबसे पहली नजर में ये एक्स की पावर एन नजर आ रहा है, तो चेन रूल का मतलब होता है जब डेरिवेटिव के बाद एक और डेरिवेटिव लेना पड़ जाए, मतलब चेन और डेरिवेटिव्स की, उसे बोलते हैं डेरिवेटिव का चेन रूल। अब यहां पर क्या है, सबसे पहले आपको ये नजर नहीं आ रहा एक्सप्रेशन, सबसे पहले इसकी पावर एन नजर आ रही है, तो आपने इसे एक्स की पावर एन की तरह डेरिवेटिव लेना है। और एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन आगे आ जाता है, एक्स की पावर एन माइनस वन। सिमिलरली आप इसे एक्स की पावर एन समझ लो, तो ये क्या हो जाएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, राइट। इन टू में एक्स की जगह किसने ली, इस एक्सप्रेशन ने, तो इसका डेरिवेटिव हम दोबारा लेंगे। अब क्योंकि आपको एक और डेरिवेटिव लेना पड़ा, इसे बोलते हैं चेन रूल। तो पहले क्या करा हमने, इसे एक्स की पावर एन समझ लिया, तो एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन आगे आ गया, एक्स की पावर एन माइनस वन। अब इसने एक्स की जगह ली थी तो इन टू में इसका डेरिवेटिव, तो अब एन एज इट इज ए एक्स प्लस बी होल की पावर एन माइनस वन। अब ध्यान से सुनिएगा, कांस्टेंट कैसे पता चलेगा कांस्टेंट कौन सा है, वाई और एक्स को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। तो ए यहां पर कांस्टेंट है लेकिन वो बच जाएगा क्योंकि वो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में, और एक्स का डेरिवेटिव अभी आपको बताया था, ये तीन डेरिवेटिव याद कर लो, एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, लेकिन ये कांस्टेंट अकेला है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो यहां पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज एन इंटू ए एक्स प्लस बी होल की पावर एन माइनस वन, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या है, चेन रूल भी लगेगा और प्रोडक्ट रूल भी लगेगा। देखिए, ये फर्स्ट है हमारे लिए एक्सप्रेशन और ये सेकंड है, तो हमारा प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, राइट, प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज, ये हमारा प्रोडक्ट रूल है। तो यही प्रोडक्ट रूल हमें अब यहां पर अप्लाई करना है, राइट। तो चलिए अभी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। फर्स्ट का डेरिवेटिव, ध्यान से सुनिएगा, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे हम, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसके डेरिवेटिव में चेन रूल भी लगेगा। पहले हमें ये x की पावर n नजर आ रहा है, तो n ए एक्स प्लस बी की पावर क्या हो जाएगा, n माइनस वन, यानी हमने लिखा n x की पावर n माइनस वन। इन टू में इसने x की जगह ली है तो इसका डेरिवेटिव दोबारा, अभी हमने ये क्वेश्चन करके दिखाया है, ठीक है जी। तो x की पावर n समझकर पहले इसका डेरिवेटिव ले लिया, n x की पावर n माइनस वन, फिर इसने x की जगह ली थी इसका डेरिवेटिव, तो ये हुआ फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब क्या है, सेकंड एज इट इज, तो सेकंड है हमारे पास सी एक्स प्लस डी की पावर, सॉरी यहां पर m है हमारे पास, सी एक्स प्लस डी की पावर m प्लस, अब बारी आएगी सेकंड की डेरिवेटिव, यानी इसका डेरिवेटिव सेम x की पावर n की तरह इसका डेरिवेटिव, तो n आगे आ जाता है और जो भी बेस होता है उसमें से 1 माइनस हो जाता है। इन टू में इसने x की जगह ली, देखिए हमारे पास ना इसका फॉर्मूला है, हम इसे यही मान के चल रहे थे पहले, x की पावर m, तो m आगे आ गया, x की पावर m माइनस वन। अब यहां पर x होना चाहिए था लेकिन x की जगह इस चीज ने ले रखी थी, सिर्फ इस चीज ने, तो इसका डेरिवेटिव हम दोबारा लेंगे, राइट। तो अब हमारे पास आ गया dy by dx इक्वल टू n ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस वन, और यहां पर क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 इंटू में a, तो ये a आ गया, और b का डेरिवेटिव 0, और ये सी एक्स प्लस डी की पावर m तो है ही है, प्लस m एज इट इज सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस वन, और सी एक्स सी एज इट इज आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 और डी का क्या हो जाएगा 0।
अब आप चाहो तो इसमें से कॉमन ले सकते हो, नहीं तो आप इसे एज इट इज भी ड्रॉप आउट कर सकते हो, यहां पर भी आप इसे छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर आपको एनसीईआरटी के आंसर से मैच करना है तो एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन और सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस वन इसमें से कॉमन ले सकते हो, नहीं तो इसे यहां छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 का डेरिवेटिव लेते हैं। आप देखिए फिर से सेम बात, हमारे पास साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स, ठीक है, लेकिन यहां पर ये चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे मान लीजिए साइन एक्स है, क्या मान लेते हैं पहले साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स इन टू में। अब यहां एक्स होना चाहिए था राइट फॉर्मूले के हिसाब से, अब क्योंकि एक्स की जगह जिसने ली है उसका डेरिवेटिव हमें दोबारा ले लेना है, तो इसे बोलते हैं चेन रूल की डेरिवेटिव पे डेरिवेटिव लेना पड़ा। तो ये आ गया कॉस एक्स प्लस ए, एक्स का डेरिवेटिव वन और ए का डेरिवेटिव जीरो, तो हमारा आंसर आ गया कॉस एक्स प्लस ए। राइट, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 में आपके पास है कॉसिकेंट एक्स और कॉट एक्स। राइट, अब जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में आ जाए तो क्या लगाना पड़ता है प्रोडक्ट रूल, और प्रोडक्ट रूल क्या कहता है फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। राइट, यही हमारे पास प्रोडक्ट रूल। तो चलो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, लेते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमेशा याद रखो वाई और एक्स के अलावा कोई भी वेरिएबल नहीं है यहां पर। राइट, तो चलो फर्स्ट का डेरिवेटिव कॉसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स, ये तो हुआ फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू में सेकंड एज इट इज प्लस अब सेकंड का डेरिवेटिव, तो कॉट का होता है माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स इनटू में फर्स्ट एज इट इज। राइट, तो ये क्या बन गया हमारे पास माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा कॉसिकेंट क्यूब एक्स। चाहे तो हम कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो इसको यहां पे भी ड्रॉप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस एनसीईआरटी के आंसर में ये आगे लिख रखा है, ये पीछे, बाकी कुछ नहीं है, घबराना नहीं। कई बार छोटा सा डिफरेंस देखकर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए अब हमारे पास आ गया 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन में वेरिएबल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आ गए, तब क्या लगता है हमारे पास क्वेश्चन रूल। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। क्वेश्चन रूल क्या है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज माइनस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। क्लियर, तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे dy बाय dx और सबसे इजी पार्ट है डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर लिख दो। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर लिख दिया, अब फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो cos x का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन एक्स फर्स्ट एज इट इज, सॉरी सेकंड एज इट इज प्लस सॉरी माइनस माइनस अब सेकंड का डेरिवेटिव। अब 1 प्लस साइन एक्स का लेंगे तो 1 का कितना हो जाएगा जीरो और साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x, ये हो गया सेकंड का डेरिवेटिव इन टू में फर्स्ट एज इट इज। राइट, चलिए अब क्या होगा माइनस साइन एक्स को अंदर इंटू कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल अपॉन में वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए इन सब में से माइनस कॉमन ले लेते हैं हम लोग सब में से, तो ये बन गया साइन एक्स, ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स, ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या चल रहा है वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा वन, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बच गया, बाहर माइनस साइन एक्स है प्लस वन अपॉन में वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये वन प्लस साइन एक्स है और ये वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो एक से कट जाएगा और हमारा आंसर बच जाएगा माइनस वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स। राइट, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में भी सेम डिविजन में है, तो आपके पास क्या करेंगे क्वेश्चन रूल लगाएंगे, ये फर्स्ट है हमारे पास और ये क्या है हमारे पास सेकंड, तो क्वेश्चन रूल क्या है फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज माइनस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। तो यहां पर हम लिख देते हैं डीवाई बाय डीएक्स सेकंड का होल स्क्वायर, सबसे पहले सेकंड का होल स्क्वायर लिख दिया, अब आएगा फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी इसका डेरिवेटिव, ध्यान से देखिएगा, तो ब्रैकेट लगा लो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है कॉस एक्स और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, जितने भी सी वाले उनका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, तो ये हो गया फर्स्ट का डेरिवेटिव। नाउ सेकंड एज इट इज, अब क्या आता है यहां पर माइनस आता है सेकंड का डेरिवेटिव, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, ऑलरेडी माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा और फर्स्ट एज इट इज इट ओके। अब देखिए ये कॉस माइनस साइन या साइन माइनस कॉस, या तो अभी काम करो कॉस को पूरे से मल्टीप्लाई कर दो साइन को पूरे से तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें से माइनस कॉमन लेके होल स्क्वायर वाला फॉर्मुला लगा सकते हो। तो अभी फिलहाल हम कर रहे हैं कॉस को इस पूरे से, तो कॉस को इस पूरे से करेंगे तो क्या बनेगा देखिए कॉस एक्स साइन एक्स और कॉस को इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, अब इन दोनों को करेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, इन दोनों को करेंगे तो ये बनेगा साइन एक्स कॉस एक्स,
माइनस। अब देखिए ये कॉस प्लस साइन, साइन प्लस कॉस, तो ये तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। तो होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल दो, ए स्क्वायर बी, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और होल अपॉन में क्या चल रहा है हमारे पास, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए ये कॉस एक्स साइन एक्स और कॉस एक्स साइन एक्स, ये कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स, ठीक है। अब हम अगर इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए ये हो गया आपके पास टू कॉस एक्स साइन एक्स, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया माइनस वन, ठीक है ना। ये पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया, इसको सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना है, वन, और बाहर माइनस है तो ये माइनस वन हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स। तो देखिए ये वाला एक्सप्रेशन इससे कट गया, और माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस टू, तो हमारा जो आंसर बचा वो बचा माइनस टू अपॉन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, 18 में भी क्या लगना है हमारे पास, क्वेश्चन रूल, राइट। ये फर्स्ट है और ये क्या है हमारे पास, सेकेंड। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या लिख दो, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो सिकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सिकेंड एक्स टेन एक्स, और वन का डेरिवेटिव जीरो, ये हो गया फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड एज इट इज माइनस सेकेंड का डेरिवेटिव। तो सिकेंड एक्स का डेरिवेटिव सेम सिकेंड एक्स टेन एक्स, और प्लस वन का कितना होगा जीरो, ये हो गया सेकेंड का डेरिवेटिव, नाउ फर्स्ट एज इट इज इट ओके। अब वही सेम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसको सिकेंड एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, सिकेंड स्क्वायर एक्स टेन एक्स, और इसको वन से इंटू करेंगे तो क्या बनेगा, सिकेंड एक्स टेन एक्स। सेम इसको सिकेंड एक्स से करेंगे, माइनस भी बाहर है तो ये बनेगा सिकेंड स्क्वायर एक्स टेन एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा सिकेंड एक्स टेन एक्स, होल अपॉन में क्या चल रहा है हमारा, सिकेंड एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या चीज आपके पास कट हो सकती है, ये वाली चीज कट हो गई, क्या बचा हमारे पास, सिकेंड एक्स टेन एक्स, सिकेंड एक्स टेन एक्स, तो ट्वाइस ऑफ सिकेंड एक्स टेन एक्स, ट्वाइस ऑफ सिकेंड एक्स टेन एक्स अपॉन में सिकेंड एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 19 क्वेश्चन काफी अच्छा है। देखिए जितने भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन हो ध्यान से सुनेंगे, साइन स्क्वायर एक्स, अगर साइन स्क्वायर एक्स लिखा है तो इसका मतलब है साइन एक्स का होल स्क्वायर, अगर यहां क्यूब लिखा है तो इसका मतलब ये वाला क्यूब है, होल क्यूब। लेकिन अगर मैंने आपके सामने साइन एक्स स्क्वायर लिखा तो ये डिफरेंट है। सिमिलरली मैं भी आपको दोनों तरीके के डिफरेंस बता रही हूं, ये वाले का डेरिवेटिव सबसे पहले बताती हूं। तो इस वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, तो इस वाले को सबसे पहले तो समझिए कि यहां जो इसके ऊपर पावर होती है होल की पावर होती है। अब होल की पावर है तो पहले क्या नजर आ रहा है, एक्स की पावर एन, तो एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन आगे आ गया, एक्स की पावर एन माइनस वन। अब इस चीज ने एक्स की जगह ली है तो इसका डेरिवेटिव दोबारा ले लेंगे, सिर्फ साइन, देखो ना एक्स की पावर एन तो साइन एक्स आया एक्स की जगह पर, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हम दोबारा ले लेंगे, राइट। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया, कॉस एक्स, तो ये आ गया हमारे पास एज इट इज, और ये आ गया कॉस एक्स, इज इट ओके। अब ध्यान से सुनना, डिफरेंस के तौर पे मैं बता रही हूं आपको, अगर हमारे पास होता साइन एक्स की पावर एन, ये अलग बात है, ये अलग बात है, यहां पर जो पावर होती है होल होती है और उसको इस तरीके से डीट करना है, और ये जो है ये थीटा है साइन का, एक्स की पावर एन। तो इसमें कैसे डेरिवेटिव लेते हैं हम, इसमें सबसे पहले मुझे साइन नजर आ रहा है और साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। अब x की जगह इसने ली थी तो इसका डेरिवेटिव हम दोबारा लेते x की पावर n का, तो दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी था, इसीलिए हमें आपको आपको एग्जांपल दिया। अब x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x की पावर n माइनस वन, तो दोनों में डिफरेंस जरूर समझना है आपने, राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 क्वेश्चन। देखिए 15 मिनट में हमने आपके साथ 10 क्वेश्चन पूरे डिस्कस कर दिए, क्योंकि हमें आपके टाइम की वर्थ बहुत अच्छे तरीके से पता है। अब इसमें भी क्वेश्चन टू लगेगा, तो dy बाय dx फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो अगर हम फर्स्ट का डेरिवेटिव ले तो ए का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा जीरो, पर बी बच जाएगा क्योंकि उसके साथ वेरिएबल चल रहा है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, फिर सी प्लस डी कॉस एक्स माइनस। अब इसकी बारी, तो सी का डेरिवेटिव जीरो पर डी बच जाएगा, और कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन एक्स, ये हो गया सेकेंड का डेरिवेटिव, नाउ फर्स्ट एज इट इज होल अपॉन में सेकेंड का होल स्क्वायर, राइट। अब आपके पास जो बचा है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस बी कॉस एक्स को सी से कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, बी सी कॉस एक्स, और ये बन जाएगा बी डी कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। अभी आपके पास माइनस, माइनस क्या हो गया प्लस, डी साइन एक्स को ए से करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए डी साइन एक्स, और फिर डी को बी, डी साइन एक्स को बी साइन एक्स से करेंगे तो क्या बनेगा, बी डी साइन स्क्वायर एक्स,
होल अपॉन में सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, ये एक्सप्रेशन ठीक है आपके पास, यहां पर भी सॉरी बी डी आएगा, बी कॉस एक्स को जब हम इससे करेंगे। अब ये वाला एक्सप्रेशन भी ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, बी डी कॉमन हो सकता है। जब आप बी डी कॉमन लोगे तो विद इन ब्रैकेट क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो उसको हम क्या रख देंगे वन, इसलिए हमारे पास फाइनल आंसर क्या बचेगा, बी सी कॉस एक्स प्लस ए डी साइन एक्स प्लस बी डी बचेगा, क्योंकि बी डी के ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, उसको हम वन रख देंगे। होल अपॉन में क्या है, सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज अपना कीमती समय निकाल कर इन्हें शेयर जरूर करिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग दुआ क्लासेस।